यूपी के बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाजी यूनुस के काफिले पर रविवार को ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना को कोतवाली देहात क्षेत्र के भाईपुरा गांव के पास उस वक्त अंजाम दिया गया जब हाजी यूनुस एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। हाजी यूनुस के मुताबिक करीब आधा दर्जन अज्ञात हमलावरों ने उनके काफिले पर जमकर गोलियां चलाई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर लेकर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मेरठ आईजी ने मामले में संज्ञान लेकर पारिवारिक रंजिश में हमला करने की बात कही है। वहीं हाजी यूनुस का आरोप है कि पिछले 6 महीने से हत्या की आशंका जताते हुए बुलंदशहर SSP से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। जी, लेकिन 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया, 50 से 60 गोली चलाई है, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। गोली नहीं चलाई, हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहाँ से उन्होंने गोलियाँ चला दी, और गोली चला के जैसे ही हमारे गनर बाप पीछे गाड़ियों में वो उतरे। हमलावर पर क्या हथियार थे कुछ मालूम था? जिस टाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलियाँ चली हैं वो सब स्वचालित असले थे, सारे पिस्टलों के। कितने लोग थे हमलावर? 5 से 6। जिला अस्पताल में अफरा तफरी की तस्वीर उस वक्त की है जब रविवार करीब 3 बजे बुलंदशहर का भाईपुरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घटना के बाद जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं इस घटना की जद में आने वाले लोगों के परिवारों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जबकि DM और SSP भी तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके वारदात का मुआयना किया। इस घटना में घायल हुए सभी लोगों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि खालिद नाम के एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। हाजी यूनुस ने अपने बड़े भाई हाजी अलीम के बेटे अनस पर हमले की आशंका जताई है। आपको बता दें कि अनस फिलहाल अपने ही पिता हाजी अलीम की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह का कहना है कि जेल में बंद अनस की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं फिल्मी अंदाज में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद मेरठ जोन के IG प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस की कई टीमें शूटर्स की तलाश में जुटी हैं, जबकि पुलिस के आला अफसर घटना का जल्द खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। देखिए, घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वहाँ से 3 गाड़ियाँ थी जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, ये विवेचना का विषय है उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं, वो सभी इस घर में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। देखिए, इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, और जो इनका भतीजा जो है जो कि जेल में बंद है, जिस पर इनके द्वारा इस बात के लिए कहा जा रहा है कि इस षड्यंत्र में ये पूरी तरह से शामिल है। बहुत सारे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने बताया, कि क्लूज मिले हैं जिस पर विवेचना की जा रही है। ये एक पारिवारिक रंजिश का प्रकरण है, जिसमें कि पुरानी हत्या से लेकर के जो संपत्ति के इश्यूज कई हैं, उसको कई सारे उसके डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि जो भी दोषी है उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और इस प्रकरण में जो इस रंजिश की जो पारिवारिक रंजिश में जो भी लोग शामिल हैं इसमें हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।